नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे डबल रोल मिठाई। बहुत ही देखने में सुंदर दिख रही होगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही बढ़िया बनी है ये, और देखें इसे हमने काट के भी आपको दिखाई है कि कितनी सुंदर देखने में लग रही है। दो कलर की है ये, तो बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसे बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी कटोरी के नाप से। हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, ये पूरा 200 ग्राम है। अब हमने यहाँ पे ताजी मलाई ली है और 3 चम्मच हम इसमें ताजी मलाई डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से ही नाप के मलाई ली थी, और इस तरह से हम मलाई को डालने के बाद उसी में हम दूध थोड़ा सा डाल लेंगे और दूध को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसका एक डो की तरह इसे बना लेंगे। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और दूध डालेंगे। जितने दूध की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम धीरे धीरे करके इसमें दूध डालते जाएंगे और इसे डो की तरह बना लेंगे। अगर चम्मच से इसे मिलाने में दिक्कत हो तो हम इसे हाथों से अच्छे से मिला सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा दूर करके बस हम इसे एक डो की तरह बना लेंगे। तो बिल्कुल मावा जैसे ये बन जाएगा, देखने में बिल्कुल मावा लगेगा, टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया लगेगा। और इस तरह से हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। मिठाई बनाने के पहले हम घर पे ही मावा तैयार कर रहे हैं, और देखें बहुत ही बढ़िया ये मावा बनकर तैयार हो गया है। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मावा के जैसे। इसी तरह से हमें इसे गूंथ कर तैयार करना है। अब हम इसे साइड रख देंगे और इससे मिठाई बनाना शुरू करेंगे। अगर हाथों पे ये चिपके तो आप इसमें हल्का सा घी भी डाल सकते हैं और इसे मल सकते हैं। घी या तेल हाथों पे लगाने के बाद हम इस तरह से इसे रोल कर देंगे और साइड रख देंगे। और मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़े से पिस्ता लिए हैं, ये 10 से 15 पिस्ता हैं। और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो भी आप काट सकते हैं। हमने सिर्फ पिस्ता इस पे लगाए हैं, और जो चिप्स काटने वाली मशीन रहती है पिस्ता हमने उसी से काटे हैं, ताकि बहुत ही पतले और बढ़िया कट जाएं। इस तरह से आप कोई भी मेवा घर पर काटेंगे बहुत ही बढ़िया कट कर तैयार होगा। इसी तरह से हम बाकी का पिस्ता भी काट कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी, लगभग ये 100 ग्राम है। और जितनी चीनी है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, 1/2 कप ही हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो चीनी को हम चलाते हुए घोल लेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए, और इसी तरह हम चीनी को चलाते रहेंगे। और थोड़ी देर बाद देखेंगे चीनी काफ़ी गाढ़ी दिखने लगी है, तो हम इसमें इलायची एसेंस डाल देंगे। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 4 से 5 हमने बूंदें इलायची एसेंस की डाल दी हैं, और इसी तरह हम धीमी आंच में इसे पका रहे हैं चलाते हुए। और गाढ़ी होने पर अब हम चाशनी को भी चेक कर लेंगे। हमें इसकी तार वाली चाशनी बनानी है। मिठाई बनाने के लिए हमें तार वाली चाशनी की ही ज़रूरत है। तो कटोरी में डालने के बाद इस तरह से उंगलियों की सहायता से हम चेक कर लेंगे, और बस इसका एक तार बन रहा है। तो चाशनी हमारी तैयार है। तो जो मावा हमने बना के रखा था उसे हाथों से एक बार मसल लेंगे इस तरह से, और फिर हम इस मिठाई में डाल देंगे। और डालने के बाद इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, इसमें गुल्ठे भी नहीं पड़ेंगे और बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम इसे चलाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। आंच को इस समय धीमा ही रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे।
और देखें ये मावा की तरह अच्छे से दिखने लगा है। तो इस तरह से हम धीमी आंच में इसे थिक होने तक पकाएंगे, जब तक कि अच्छे से थिक ना हो जाए। तो इस तरह से हम चलाते हुए इसे थिक कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसको भूनने में, पर जितना अच्छा ये भून जाएगा मिठाई हमारी उतनी ही बढ़िया बनेगी। और देखें ये डो की तरह भूनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल कम्बाइंड हो रहा है। इसी तरह से भुना हुआ ही मावा हमें इसमें मिठाई के लिए ज़रूरत है। इसी तरह से हमने इसे अच्छे से भून लिया है चलाते हुए, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें इसे अच्छे से पका लें, नहीं तो ये चिपकेगी। और गैस को बंद करने के बाद हमने इसे निकालने के बाद 2 से 3 मिनट तक बस इसी तरह कढ़ाई में चलाना है, और ये और भी थिक हो जाएगा और बढ़िया दिखने लगेगा। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इसे इसी तरह चलाते हुए, ठंडा कर लेंगे और ये और भी टाइट हो गया है और ठंडा हो गया है। अब हम इसे साइड रख देंगे और कढ़ाई से इसे निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद हम हाथों पे हल्का सा तेल या घी लगा लेंगे और इसको मसल लेंगे। अब हम इसकी एक लोई तोड़ लेंगे, जितनी रोटी बनाने के लिए आटा की लोई तोड़ते हैं ठीक उसी तरह, और एक हिस्से को हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और जिसमें हम कलर मिलाएंगे उसको कम रखेंगे। तो हमने यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी कलर अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, रेड डाल सकते हैं, ग्रीन डाल सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो वो डालकर अच्छे से इसे मिला सकते हैं मिठाई बनाने के लिए। और अब हमने इसमें कलर मिला दिया है, हाथों पर हल्का सा तेल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे रोल बना लेंगे इस तरह से। तो सारी मिठाई से हम इस तरह से पहले रोल बनाकर रख लेते हैं। अब बाकी के भी हम इसी तरह बना लेंगे। अब हम इसकी एक छोटी लोई लेंगे और हाथों से गोल करके इस तरह से चपटा करके फैला देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस इतना छोटा छोटा। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे और बस एक बार इस तरह से हाथों से घुमा देंगे और रोल बन गया है। अब पिस्ता के ऊपर भी इस तरह से हम घुमा देंगे और देखें मिठाई बन गई है बहुत ही जल्दी और देखने में भी बहुत ही सुंदर, अलग देखने वाली मिठाई। आप रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और बाकी की मिठाई भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। बस इसी तरह से हम रोल करते जाएंगे और हाथों से थोड़ा सा घुमाकर इस पे मेवे लगा देंगे। मिठाई हमारी बनकर तैयार है। मिलते हैं और नई नई रेसिपी के साथ।